Unique Classes warmly welcome all the viewers, students and parents who are going to watch this video. Unique Classes bring a Zen story for you. Students, parents and viewers, आज हम आपके लिए Zen story लाए हैं. Zen story का टाइटल कुछ इस प्रकार से, Drought and Faith. अकाल और हमारी श्रद्धा. एक गांव में दो साल से ड्रॉट हो रहा था, अकाल हो रहा था. बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमन भी, काफी सभी लोगों को काफी परेशानी हो रही थी. तो उस गांव के पुजारी ने एक बार डिसाइड किया कि एक हम प्रेयर करेंगे. गांव के सभी लोग मिलके इस प्रेयर में पार्टिसिपेट करेंगे और जब हम पूरी श्रद्धा से हम अपने गॉड से प्रेयर करते हैं तो वो हमारी बात सुनेंगे और अच्छी बारिश होगी. तो सभी गांव वालों ने डिसाइड करके जो डे डिसाइड हुआ था, जो टाइमिंग डिसाइड हुआ था, उस टाइमिंग पे सभी लोग वहां पे प्रेयर करने के लिए आए. एट दैट टाइम अ बॉय विद द एज ऑफ 6 years ऑल्सो कम एंड ब्रिंग एन अम्ब्रेला. एक 6 साल का बच्चा भी वो प्रेयर के लिए आया था, लेकिन वो अकेला नहीं आया था. उसके साथ वो अपने साथ एक अम्ब्रेला लेके, छाता लेके आया था. तो पुजारी को आश्चर्य हुआ, बेटे हम यहाँ प्रेयर के लिए आए हैं और आप छाता लेके क्यों आए हैं? तो बच्चे ने इनोसेंटली जवाब दिया, सर आपने बोला था हम जब अपने पूरी फेथ से, श्रद्धा से गॉड को प्रेयर करेंगे तो वो हमारी बात मानने वाले और बारिश होगी, और जब बारिश होगी तब मैं गीला ना हो जाऊं, इसलिए मैंने अपने प्रोटेक्शन के लिए साथ में अम्ब्रेला रखा है. पुजारी भी हैरान हो गया, क्या बात है, कितनी बढ़िया फेथ है, फुल्ली स्ट्रॉन्ग फेथ. ये बच्चा आया है प्रेयर करने के लिए, अब ऊपर वाले को भी इस बच्चे की प्रेयर सुननी पड़ेगी. और इट्स एन एग्जांपल ओनली. तब सभी लोगों ने प्रेयर की और उस गांव में अच्छे से बारिश हुई. अब ये जो केस स्टडी है वो हमारे एजुकेशन पर्पस के लिए लगा रहा हूं. तो फेथ टू टाइप्स की होती है. एक फेथ होती है अम्ब्रेला वाली फेथ और दूसरी फेथ होती है बलून वाली फेथ. पहले ये बलून वाली फेथ समझ लेते हैं. बलून वाली फेथ माने क्या है? एक स्टूडेंट ने डिसाइड किया कि अकाउंट्स में मेरे को 100% अटेंशन देना है और फुली मार्क्स लेना है. लेकिन फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड 12 है, उसका अकाउंट का पार्ट 2 है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस से स्टार्ट किया, प्रॉब्लम आई और नो ये तो काफी डिफिकल्ट चैप्टर है, ये अकाउंट्स का पार्ट 2 करना ही नहीं है. तो उसकी फेथ क्या है? बूम, बलून वाली फेथ थी, फूट गई, बलून फूट गया, बूम. तो एक बलून वाली फेथ होती है. स्टैंडर्ड 10 के स्टूडेंट होते हैं, उसको एक डिसाइड किया है कि मैथ्स में मैं अच्छा सा स्कोर करूंगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन का एक चैप्टर आ रहा है, सर्कल का चैप्टर आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है. और नो ये तो स्टैंडर्ड 10 का मैथ्स काफी हार्ड है, इसमें हमें से कुछ स्कोर नहीं होगा. मेरा गोल था अच्छा, लेकिन चैप्टर हार्ड है, मेरे से कुछ नहीं होगा. तो उसकी बलून वाली फेथ थी, फूट गई, गुब्बारा फूट गया, बलून वाली फेथ. सोशल साइंस में अच्छा स्कोर करना है, लेकिन उसमें शॉर्ट नोट आती है, प्रॉब्लम आ रहा है, लेसन नंबर 15, 16, 17 काफी हार्ड है, इसमें हमारे से स्कोर नहीं होगा. उस स्टूडेंट की बलून वाली फेथ थी. तो जो गोल डिसाइड हुआ था एसएस में अच्छा स्कोर करना है, लेकिन वो स्कोर नहीं पा रहा है क्योंकि उसकी जो फेथ थी वो बलून वाली फेथ थी. स्कूल में हर एक एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, ट्यूशन क्लासेस में जब भी एग्जाम होने वाली है तब अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और उसको अच्छे से देना है और स्कोर अच्छा करना है, लेकिन आप तो थक गए, कुछ प्रिपरेशन नहीं कर लिए. ये जनाब की बलून वाली फेथ थी तो फूट गई, गुब्बारा फूट गया, तो प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा है.
इकोनॉमिक स्टैंडर्ड 11 और 12 के लिए, स्टैंडर्ड 11 और 12 में इकोनॉमिक्स आता है, एसपी आता है, ओसी आता है, मेहनत कर रही है लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में प्रॉब्लम आ रही है। इस ये जो स्टूडेंट है उसका टारगेट था 90 PR 95 PR, लेकिन एसपी के क्वेश्चन देखते हैं, ओसी के क्वेश्चन देखते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देते, नहीं हमारे से 90 PR पॉसिबल नहीं है, 85 PR भी पॉसिबल नहीं। अरे 80 PR आ जाए तो भी चलो, वी आर वेरी सेटिस्फाइड विद द स्कोर। तो वो उसकी फेल कौन सी थी, बलून वाली फेल, तो ज्यादा टिक नहीं पाती। और एक ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो अम्ब्रेला वाली फेथ रखते हैं। अम्ब्रेला वाली फेथ कौन रखते हैं, जो रैंकर है, जो टॉप स्कोरर है, जो जिसने अपना गोल डिसाइड किया है वो गोल पे कंटिन्यू करेंगे एफर्ट्स। चलो इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम आ रही है कोई बात नहीं, स्कूल में अच्छा सा पढ़ाया, ट्यूशन क्लासेस में भी पढ़ लेंगे, वहां रिवीजन कर लेंगे, क्लासेस में हम आके टेस्ट दे देंगे, चैप्टर हार्ड है तो कोई बात नहीं, वन टाइम नहीं, टू टाइम्स नहीं, थ्री टाइम्स हम उसमें मेहनत करेंगे और वो चैप्टर हम लर्न करके रहेंगे। ये स्टूडेंट जो ऐसे फेल रखते हैं उसको बोलते हैं अम्ब्रेला वाली फेल। अरे स्टैंडर्ड 10 मैथ्स का सर्कल करके एक चैप्टर आ रहा है उसमें प्रॉब्लम आ रही है कोई बात नहीं, सम्स हार्ड है कोई बात नहीं, नॉर्मली दूसरे चैप्टर के सम वन टाइम टू टाइम्स करते थे, इसमें हम थ्री टाइम्स करेंगे फोर टाइम्स करेंगे, लेकिन ये जो सर्कल वाला चैप्टर है उसमें भी पूरा स्कोर करना है। ये जो एटीट्यूड वाले स्टूडेंट है ऐसा एटीट्यूड है, थ्री टाइम्स नहीं फोर टाइम्स, अरे फोर टाइम्स नहीं तो फाइव टाइम्स भी कर लेंगे लेकिन स्कोर करके रहेंगे, ऐसा जिसका एटीट्यूड है वो बोला जाता है अम्ब्रेला वाली फेथ वाला स्टूडेंट। और वही स्टूडेंट 90 PR 95 PR 98 PR लेके रहते हैं। चलो साइंस करने बैठे हैं, साइंस में केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है, स्कूल में लेसन कंप्लीट हो गया है, ट्यूशन क्लासेस में भी चैप्टर कंप्लीट हो गया है लेकिन प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं हम घर पे इसका रिवीजन करेंगे, वन टाइम लिखेंगे, टू टाइम्स लिखेंगे, पहले उसके ऑब्जेक्टिव करेंगे फिर सब्जेक्टिव पार्ट लेंगे, लेकिन केमिस्ट्री में बढ़िया स्कोर करना है वो फाइनल, मेहनत जितनी भी लगेगी वो करेंगे लेकिन स्कोर करके रहेंगे। ये जो एटीट्यूड फेथ वाले स्टूडेंट है वो कहलाए जाते हैं अम्ब्रेला वाली फेथ वाले स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप जब भी स्टडी करने बैठे तो एक बार डिसाइड कर लीजिएगा, दो टाइप की फेथ है, एक अम्ब्रेला वाली फेथ और एक बलून वाली फेथ। बलून वाली फेथ वाले स्टूडेंट पास हो जाएंगे, शायद 40-50% ला सकेंगे, उससे ज्यादा कुछ वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अम्ब्रेला वाली फेथ वाले स्टूडेंट है उसने डिसाइड किया कि 80 PR लाना है वो लाके रहेंगे क्योंकि वो अम्ब्रेला वाली फेथ रखते हैं। जिस स्टूडेंट ने डिसाइड किया मेरे को 85 PR 90 PR 95 PR लेके रहना है, वो लेके रहेंगे, इतना स्कोर करके रखेंगे क्योंकि वो अम्ब्रेला वाली फेथ रखते हैं। एक्सपेक्ट करता हूं स्टूडेंट आज के वीडियो से आपको कुछ मोटिवेशन मिलेगा, और एक खास गुजारिश है यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो आपके किसी भी ग्रुप में ये वीडियो शेयर मत करिएगा। फिर से दोहराओ, रिपीट द सेंटेंस, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो आपके ग्रुप में ये वीडियो शेयर मत करिएगा लेकिन आपकी लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करिए, एजुकेट करिए और आप खुद शेयर बन जाइए, खुद लाइव बन जाइए। इसके साथ ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ, थैंक यू।